तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो टॉपिक जो है फ्रेंड्स, मैं जो इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या चीज़ करना है, सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब कई सारे स्टूडेंट या फिर कई सारे व्यूअर या फिर कई सारी चीज़ें पूछते हैं कि सर ये हमें कैसे करना है, उसका कंट्री अनलॉक कैसे करता है, जैसे बाहर का फ़ोन हुआ। तो जैसा कि मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे फुल डिटेल, ये हमारे एक स्टूडेंट का फ़ोन है, तो मैं सारे डिटेल यहाँ पे आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। दूसरी चीज़ मैं एक छोटा सा अपडेट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फ्रेंड। तो चलिए, वीडियो में मैं आज डिटेल करने वाला हूँ कि आप कंट्री अनलॉक कहाँ कहाँ से कर सकते हो, मैं सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला, एक ओटू सिम आती है, तो ओटू सिम को आपको क्या करना है, ओटू सिम आपको मार्केट से परचेस करने लेना है। उसको परचेस करने के बाद आपको क्या करना है, उस ओटू सिम को जिसमें जिस फोन में कंट्री अनलॉक लगा हुआ है उस फोन में आपको क्या करना है, उस सिम को लगा देना है। फिर आपको वहाँ पे नेटवर्क को 2G सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, 2G सेलेक्ट करने के बाद आप में उसमें नेटवर्क आ जाएगा। नेटवर्क आ जाने के बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको उसके कॉन्टैक्ट में जाना है। उसमें 5 मिनट करके एक नंबर सेव होगा, तो उसमें 5 मिनट कॉलिंग करके एक नंबर सेव होगा, उसमें आपको कॉल करना है। उसको 5 मिनट तक आपको, जैसे कस्टमर केयर में आप बात करते हैं, तो उसी में आपको 5 मिनट तक उसको कंटिन्यू लगे रहना है। जैसे 5 मिनट हो जाए तो उसको सीधा आपको क्या करना है, फोन को कट कर देना है और फोन को रिस्टार्ट कर देना है और अपना LTE वोल्टी सेट करके फोन आप ऑन करेंगे तो आपका नेटवर्क आ जाएगा, मतलब कंट्री अनलॉक हो जाएगा, नेटवर्क अनलॉक हो जाएगा। दूसरा चीज आप उससे कर सकते हैं, Z3S बॉक्स से कर सकते हैं। Z3S बॉक्स में भी आपको क्रेडिट लेना होगा, वहां पे भी आप क्रेडिट के माध्यम से आप उसकी अनलॉकिंग कर सकते हैं। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सैम की। तो सैम की के बारे में आपको डिटेल करना चाहूंगा। सैम की भी आप यहाँ से बहुत ही इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे उसका कोड रीड हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे अपना पहले लॉगिन आईडी ले लीजिए, इसको अपना एक्टिवेट करा लीजिए, जहाँ से भी आप ले रहे हो, जहाँ से भी आप परचेज कर रहे हो, आप वहाँ से अपना क्रेडिट ले लीजिए। क्रेडिट लेने के बाद ही आपका ये काम सारा करने वाला है। तो उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे एक फोन हमारे पास कनेक्टेड है, जो कि मैं यहाँ पे इसका रीड इन्फो करके दिखाऊंगा। ADB मोड से आपको ADB में इसका USB डिबगिंग ऑन कर लेना है, तो इसका ADB इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं रीड इन्फो, यहाँ पे हम रीड इन्फो करते हैं फ्रेंड। ओके, ADB मॉड्यूल यहाँ पे कर देना है। ओके, यहाँ पे एक स्क्रीन में अलाउ ओके का ऑप्शन मांग रहा है, तो देखिए मैंने ओके कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सारा रीड इन्फॉर्मेशन आ चुका है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ओके, और ये ओके, यहाँ पे डन, और ये सारा चीज आप देख सकते हैं, ये हमारा आ गया है। ये मलेशिया का है एक्चुअल में। मैं आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रही होगी तो मैं आपको यहाँ पे कंट्री दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे इसमें तो कंट्री नहीं दिखाई दे रही है, मलेशिया मलेशिया मलेशिया, ये देखिए दिखाई दे रही है, ये कंट्री मलेशिया का, ये मॉडल है मलेशिया का, ये फोन है जिसमें हमने इसकी कंट्री अनलॉक बेसिकली ट्रायल बेस पे हटा चुके हैं, हट चुकी है इसकी कंट्री अनलॉक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज, तो ये डिवाइस आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे रीड कोड पे करना है, इसमें आपका क्रेडिट कटेगा और आपका बहुत ही ईजी तरीके से अनलॉक हो जाएगा ये फोन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री अनलॉक बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। रीड कोड यहाँ पे ये देख सकते हैं फोन का, बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो हो गया आपका सैम की का, पहला ओटू सिम, दूसरा सैम की, तीसरा Z3X, और आपको मैं चौथा भी बताऊंगा कि आप वहां से भी कैसे इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे तो रीड कोड करेंगे तो उसमें कोड आ जाएगा, आप कोड डाल देंगे तो वो आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टूल और है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक टूल और है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्मा टूल। इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली हुई है FRP के लिए, कि आप कैसे FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाइए या आई बटन में जाइए, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देखिए कि सैमसंग के FRP केवल और केवल 2500 रुपये में आप अनलॉक कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। तो ये फ्रेंड का, फ्रेंड मेरे पास यहाँ पे 9 क्रेडिट है, जो कि मैंने यहाँ पे काम कर चुका है इसका, फिर भी मैं एक बार इसका रीड इन्फो करके आपको दिखाऊंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे स्प्रेड अनलॉक पे जाते हैं, स्प्रेड अनलॉक पे, उसके बाद हम यहाँ पे इसका करते हैं रीड इन्फो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड बेसिकली। तो ये देखते हैं, तो इसको हम करते हैं डू वर्क। एडीबी इंटरफेस नहीं लिया, एक बार आपको फिर से कर लेना है, क्योंकि अलाउ के लिए ऑप्शन आया था, मैंने अलाउ नहीं किया था यहाँ पे, तो अलाउ
कि फिर से मैंने यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे डू वर्क। देखिए डेबी इंटरफेस हमारा ये प्रॉपरली तरीके से, ये फाइनली देख सकते हैं हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रीड कोड यहाँ पे सारा चीज आपको दिखाई दे रहा है। ये भी मलेशिया का है जो कि हमने यहाँ पे दोनों चीज रीड इन्फो करके दिखाया। ये तब होगा जब आपका यूएसबी डिबगिंग ऑन होगा फ्रेंड। तो ये कंट्री अनलॉक कैसे प्रोसेस करते हैं, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको जाना है। मैं यहाँ पे इस टूल, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉगिंग आईडी है और यहाँ पे क्रेडिट भी है मेरे पास, तो मैं इसको कैसे आपको क्या करना है मैं सारा चीज बता देता हूँ। उसके बाद अपनों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे मॉडल्स हैं। यहाँ पे आपका 19 मॉडल ऐड है, जिसमें 19 मॉडल को आप इजी तरीके से कंट्री अनलॉक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फोन, सारे फोन यहाँ पे S10, S20 अल्ट्रा, ये अभी J2, J3, ये सारे मॉडल यहाँ पे हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं गैलेक्सी, ये हमारा फोन, ये देख सकते हैं S10, S8, S8 Plus, A70, और यहाँ पे सारा चीज नोट 8, तो यहाँ पे सारा चीज आप देख सकते हैं। यही सारे फोन्स को आप बहुत ही इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे क्रेडिट आपसे ली जाएगी। 12 क्रेडिट, 15 क्रेडिट, 20 क्रेडिट, 13 क्रेडिट, 7 क्रेडिट, जिसमें आपको पे करने होंगे। इसकी क्रेडिट आपको एक क्रेडिट समथिंग 100 रुपये या 100 रुपये समथिंग एक क्रेडिट पड़ती है फ्रेंड। तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 9.25 क्रेडिट है, जिसमें FRP के लिए भी यही क्रेडिट काम आती है और अनलॉकिंग के लिए भी यही क्रेडिट काम आएगी फ्रेंड। तो आई होप ये कंट्री अनलॉक के बारे में डिटेल आपको अगर अच्छा लगा हो और ये मैग्मा टूल के बारे में आपको क्रेडिट चाहिए, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रेंड्स क्रेडिट मैग्मा टूल या फिर किसी भी, मैं एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपको किसी भी एक्टिवेशन, UMT, मिरकल, किसी भी टूल का एक्टिवेशन कराना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपरली तरीके से सारे टूल का एक्टिवेशन, मैग्मा टूल का क्रेडिट, सब चीज का क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और छोटा सा अपडेट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।